अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो देखो 5:01 हो रहे हैं और मैं अभी सहरी कर रही हूँ, बस 15 मिनट बचे और आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा नहीं अच्छा खासा लेट हो गया सहरी करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर अभी अम्मी नमाज़ पढ़ रहे हैं, मेरी नमाज़ हो चुकी है, उसके बाद में हम सो जाएंगे। मैंने यहाँ पर किचन भी पूरा क्लीन कर लिया है, फिर बाद में ना होता नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है किचन, और यहाँ पर अम्मी ने आज अभी चने भी भिगा कर रख दिए हैं और साथ में साबूदाना भी भिगा कर रख दिया है। सो आज हम लोग इफ्तार में साबूदाना वड़ा बनाएंगे, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। सो गुड नाइट, मिलती हूँ आपको बाद में। सो गुड मॉर्निंग, उठ चुकी हूँ मैं और अभी बज रहे 11 और अभी हमारे काम वाली दीदी भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आज अम्मी ने पौधों को पानी नहीं दिए थे, तो यहाँ पर आज मैं ये काम कर रही हूँ। सो अभी देखते हैं आगे क्या करती हूँ। तो यहाँ पर अभी इन लोगों को भी थोड़ा पानी वानी देते हैं और फिर देखते हैं क्या करूँगी, आपके साथ शेयर तो करूँगी। तो पूरा व्लॉग कंटिन्यू कीजिए और कैसे लग रहे हैं व्लॉग ज़रूर कॉमेंट करके बताइए। सो अभी मैं जा रही हूँ वो वाले घर पे अब्बा के साथ कपड़े वगैरह धोने के लिए, बहुत सारे पड़ गए थे तो वहाँ पर मशीन है तो वहाँ पर धो लेते हैं, फिर आने के बाद इफ्तार की तैयारी करेंगे। सो या कैसी लग रही हूँ मैं? चुका है काम और यहाँ पर मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। सॉरी मिरर के लिए थोड़ा सा गंदा है, रुको ये वाला देखते हैं, ये और गंदा है। ओके सो आज ना मैंने ये ड्रेस पहनी हूँ, वो घर पे जाकर मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये ना एक्चुअली मेरे मम्मी की साड़ी है और मेरे पास मशीन भी है, ये देखो यहाँ पर दिख रही है। तो ये मतलब मैंने नहीं स्टिच किया ये, बट मेरा मुझे आता है स्टिचिंग करना। तो ये ना मेरे अम्मी की साड़ी थी और मुझे ये कलर बहुत प्रिटी लगा था लाइक, और मेरे पे बहुत सूट भी करता है, तो मैंने उनसे ये साड़ी लेकर इस तरह से गाउन बनाया था जो कि आपने पहले भी वीडियोस में देखा है शॉर्ट्स में। सो आज मैंने ये पहना है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, वो घर पर जाके अच्छे से दिखाती हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ घर पे अब्बा के साथ और असर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली हूँ यहीं पर, और अभी देखते हैं घर पे जाकर क्या क्या करना है। वैसे तो आज अम्मी इफ्तार बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर घर पर मैं पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पर अम्मी ने चने ऑलरेडी बना रखे हैं और यहाँ पर अभी अम्मी बनाने वाले हैं चिकन का कोरमा उनके स्टाइल में, तो चलिए देखते वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मसाला लिया है, तो यहाँ पर कच्चा नारियल लेंगे, अदरक लहसुन और हरा धनिया, इसको हमें जो है मिक्सर में पीस कर इसका एक पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा अगर आपको पानी डालना है तो आप ऐड कर सकते हो पानी, ऑब्वियसली पानी थोड़ा ऐड करना ही पड़ेगा, फिर वो फाइन पेस्ट होगा। इसमें थोड़ी सी लौंग और काली मिरी भी ऐड कर देना। फिर लेंगे एक कुकर, उसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल, फिर हम उसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज, प्याज को लाइट ब्राउन होने के बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और अम्मी ने बोला है टमाटर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना अच्छा लगता है, ठीक है। बैकग्राउंड वॉइस उनकी नहीं डाली है मैंने बिकॉज़ फिर बहुत शोर हो रहा था। उसके बाद में यहाँ पर तेज़पत्ता ऐड कर देंगे, फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और जब तक ये तेल छूटता है ना इसको हमें अच्छी तरह से पका लेना है बेसिकली। उसके बाद में हम डायरेक्टली इसमें ऐड कर देंगे चिकन, ठीक है, आप सेम इसको मटन में भी बना सकते हो। उसके बाद में हल्दी ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, उसके बाद में इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर इसके बाद में हम ऐड कर देंगे कांदा लहसुन मसाला।
तो आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना इसमें यूज़ कर लो। उसके बाद में अम्मी ने यहाँ पर थोड़ा सा चिकन मसाला भी ऐड किया है एवरेस्ट का। उसके बाद में थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छा कलर आने के लिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी इसके बाद में जो हमने मसाला जो बनाया था कच्चा नारियल अदरक लहसुन और हरा धनिया का, वो हम इसमें डायरेक्टली अभी ऐड कर देंगे एंड इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। फिर हमें इसके अंदर ऐड कर देना है गरम पानी, थोड़ा सा गरम पानी आपको इसमें ऐड कर देना है। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मिंट लीव्स यानी कि पुदीना और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर हमें इसको 3 सीटी देनी है, ठीक है। 3 सीटी में ये इजीली पक जाएगा। तो यहाँ पर 3 सीटी हो चुकी है और ये देखो फाइनली हमारा जो चिकन है ये बनकर रेडी हो चुका है। और ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा बना था। और ये देखो चिकन भी एकदम अच्छे से ये हो चुका है, पक चुका है। सो अभी हम लोग बनाएंगे झटपट बनने वाला मिर्ची का ठेचा। तो यहाँ पर अम्मी ने तवे पर जो है मिर्ची को तेल में थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद में इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। अगर आपको तीखी वाली मिर्ची लेनी है तो आप ले सकते हो, हम इतना ज़्यादा तीखा नहीं खाते बट ये भी बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है। अभी इसके अंदर हम लोग लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन का क्वांटिटी हम लोग ज़्यादा रखेंगे बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो लहसुन यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड देन उसके बाद में हमको बस इसके अंदर ऐड कर देना है नमक। दैट्स इट। इसको अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लेना है, एक फाइन पेस्ट बना लेनी है और इसके अंदर आपको बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। ये तेल जो हमने मिर्ची को तेल में जो भुना हुआ है ना उसी से ये पूरा अच्छी तरह से इसका फाइन पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर अम्मी मुझे बोल रहे थे कि इनके जो कस्टमर है शॉप पे के वो बोलते हैं ना अम्मी को कि ना आप हमें दिखते नहीं हो वीडियोज़ में एंड ऑल। तो फिर ना अम्मी को बोलते हैं वो लोग कि नहीं हम ना आपके बैंगल्स देख कर ही आपको पहचान जाते कि नहीं नहीं हमारे आंटी है करके। तो वो मुझे वो चीज़ बता रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये देखो यहाँ पर ये बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अच्छा और एक बार इसको अच्छे से अम्मी फाइन पेस्ट कर रहे हैं एंड दैट्स इट। इस तरह से आपका ठेचा बनकर रेडी हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली नॉनवेज के साथ बहुत अच्छा लगता है। मटन के सालन के साथ, चिकन के सालन के साथ, ऐसे ही आप इसके साथ ज्वार की रोटी खा सकते हो या नॉर्मल चपाती खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम लोग बनाएंगे ये। तो ये अम्मी ने लेकर आए थे मार्केट से, ये रेडीमेड मिल जाता है शरबत। इसको बस आपको दूध में मिक्स कर लेना है, इसमें शुगर ऐड नहीं होती है। इसको हमें शुगर इसमें हमें शुगर ऐड करनी होती है। इसमें आपको देखो सब्ज़ी के बीन्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है और इजी रहता है और रमज़ान में ये बहुत चलता है एक्चुअली। तो यहाँ पर ना हम लोग कच्चे दूध में बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे या फिर आप दूध को जो है वो पका कर फिर ठंडा कर उसके अंदर भी ये ऐड कर सकते हो। तो शक्कर आपको अपने हिसाब से डालना है, जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से आपको इसमें शुगर ऐड कर देनी है। उसके बाद में सिंपली आपको ये पैकेट को इसके अंदर ऐड कर देना है एंड दैट्स इट। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जब तक वो शुगर जो है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती इसके अंदर। दैट्स इट। ये हो गया आपका ठंडा ठंडा मस्त सा शरबत और बहुत अच्छा लगता है, फालूदा टाइप्स लगता है। इसके अंदर मे बी आप आइसक्रीम भी डाल सकते हो, पता नहीं मुझे, बट अच्छा लगता है बहुत ये। इसके अंदर बहुत अलग अलग फ्लेवर्स भी मिलते हैं, सो ज़रूर ट्राई करना। सो अभी हम लोग बनाएंगे साबुदाना वड़ा। तो यहाँ पर मैंने ये शेंगदाने का जो कवर रहता है ना उसको इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद में जो है हमें साबुदाना में इसमें अम्मी ने ऐड किया है हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक कूट कर, मतलब मिक्सर में पीस लिया उन्होंने, वो इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद में शेंगदाने का जो कूट रहता है वो इसमें ऐड कर देंगे। बटाटा मतलब पोटैटो को, आलू को उसको थोड़ा सा स्मैश कर लेंगे और इस सब का एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। नमक आप देख कर डालना वरना ज़्यादा खारा हो जाएगा, हमने अंदाजे से ही डाला है क्योंकि सबके रोज़े हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है एंड दैट्स इट। इतना ईजी है साबुदाना वड़ा बनाना। तो ये देखो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अभी बस तेल को यहाँ पर मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और बस हम लोग एक नॉर्मल सा वड़ा मतलब थोड़ा सा चपटा वाला उस शेप में, ये देखो इस तरह से हमें ये बना लेना है और बस दैट्स इट।
बहुत इजी रेसिपी है और यही बनाने के टाइम पे लास्ट के लास्ट रमज़ान में मेरी उंगलियां कट गई थी, जो कि मैंने आपको बताया है पहले भी। तो इस तरह से आपको बहुत ही आराम से फ्राई करना है, बिल्कुल तेल वेल नहीं उड़ाना है। इस सारे चीज़ों में मैं बहुत माहिर हूँ तेल वेल उड़ाने के, तो मैं बहुत अभी थोड़ा थोड़ा आराम से करती हूँ, वरना मुझे ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको, आप अगर फास्ट फ्लेम पे कर रहे हो ना तो थोड़ा सा संभाल कर, वरना जल जाएगा। बट ये ना कुरुम कुरुम वाला, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसको फ्राई किया ना तो अच्छा लगता है। बस ध्यान देना कि जलाना मत, बाकी बेस्ट। इसको आप दही के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में अभी मैं यहाँ पर चने भी निकाल रही हूँ। और बस ये रहा आज का हमारा दस्तरखान। तो यहाँ पर है ग्रेप्स और ये है सारी चीज़ें और बस अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखो बड़े भी तलकर हो चुके हैं और अभी हम लोग बस दुआएं पढ़ेंगे, दैट्स इट। तो ये देखो माशाल्लाह, तो अभी सब कुछ हो चुका है, नमाज हो चुकी है, सब कुछ हुआ है। और अब मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ मार्केट, बिकॉज़ अम्मी को सामान लेनी थी शॉप के लिए, चीज़ें लेने की थी। तो फिर हम लोग चले गए मार्केट, लेट ही गए, देखो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है आपको अवेलेबल होंगी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको इसमें से कुछ भी चाहिए होगा मैं और भी आप डालते जाऊँगी, या फिर आप शॉप पर विज़िट भी कर सकते हो, आप मुझे DM कर दीजिएगा, मैं आपको एड्रेस दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और मैं एक्चुअली सो भी गई थी थोड़ा। तो यहाँ पर देखो हैंडबैग्स, बच्चों के बैग्स, साइड पर्स, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। सो या ये देखो कितनी क्यूट है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बट मैंने ली नहीं बाद में लूँगी। तो ये देखो इस तरह से आपको सब कुछ हमारे शॉप में जो है वो अवेलेबल होगा। सो अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, पर्स, हैंडबैग्स, ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना। तो ये देखो यहाँ पर मैं नथ वगैरह थोड़े बहुत शूट कर रही थी, ये भी आपको मिलेंगे प्रॉपर। तो बताना अगर कुछ चाहिए होगा तो। सो या तो ये सारी चीज़ें मैं देखते बैठ गई थी, बाद में मुझे नींद से उठा दिया गया था और फिर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रही थी और बहुत थक गई थी एक्चुअली, मतलब मेरे पैर भी सूजे हुए थे पता नहीं क्यों। तो ये देखो ये वाले क्लिप्स बहुत क्यूट लगते हैं। तो यहाँ तो ये था आज का दिन और ये देखो इतना सारा सामान लेकर अभी फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं। सो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और अल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ टेलर ब्यूटी स्टूडियो। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।